हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ABD ट्रैवल OG। हम लोग आए हैं आज महाबलेश्वर में और आज हम लोग आए हैं एक बेलेव्यू रिजॉर्ट में। सो अगर आप देख रहे हैं एक बजट रिजॉर्ट महाबलेश्वर में रुकने के लिए, सो दिस रिजॉर्ट कैन बी दैट चॉइस फॉर यू। सो एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए एंड देन आप डिसाइड करिए। हम चेक इन कर रहे हैं बेलेव्यू रिजॉर्ट में। ये है इसका एंट्री। यहाँ पे कॉर्पोरेट इवेंट, शादी वादी के लिए ये बहुत फेमस है। ओवरऑल लुक अगर इसका देखो तो आप ऐसा है शादी वादी के लिए भी। नए रूम्स भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, अभी ऐसे में पता चला है 9 कोई नए रूम्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है जहाँ पे आपको एक डेस्टिनेशन वेडिंग करना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी प्लेस है। आगे आगे देखते हैं अपना स्टे कैसा रहता है। ये सारे वुडन कॉटेजेस यहाँ पे इनके बने हैं जिसमें से एक हमारा है। सामने हो रहा है ब्यूटीफुल सनसेट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे हैव अ स्विमिंग पूल जो कि ऑपरेशनल है। ये है हमारा रूम, इट्स अ वुडन कॉटेज। यहाँ पे बैठने के लिए बाहर दो चेयर्स दे रखी हैं विद अ टेबल। देन यहाँ पे है ये शानदार सा बेड, अंदर पूरा वुडन आर्किटेक्चर। देन ये AC और ये TV। ये है यहाँ का कवर्ड एरिया पूरा। ये यहाँ पे आप एक महीने का सामान भी रख सकते हैं, इतना बड़ा सारा यहाँ पे कवर्ड है। सामने एक मिरर बहुत ही अच्छा सा। एंड देन ये वॉशरूम है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वेस्टर्न टॉयलेट्स है यहाँ पे, शावर एंड वॉश बेसिन यहाँ पर। दिस इज़ द पूल ऑफ बेलेव्यू रिजॉर्ट। काफ़ी क्लियर पानी है यहाँ का, बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने मेंटेन कर रखा है। ये यहाँ का है छोटा सा एक लॉन एरिया जहाँ पे आप बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं रात में। सामने एक स्टेज भी है, तो अगर आप कोई पार्टी वगैरह कर रहे हैं, कोई बड़े फंक्शन के लिए आप ये रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एंड देयर इज़ एम्पल ऑफ पार्किंग, यहाँ पे भी है पार्किंग स्पेस और इससे डबल एरिया ऊपर भी है पार्किंग के लिए। सो ऑल इन ऑल बहुत ही प्यारा सा एक रिजॉर्ट है। सनराइज सनसेट बहुत देखा होगा, आज हम लोग देख रहे हैं मूनराइज जो कि हुआ है यहाँ से। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे दो कैटेगरी के रूम थे, एक तो जो वुडन कॉटेजेस थे जिसमें हम लोग रुके थे और दूसरा एक था सुपीरियर रूम जिसको ये लोग बोलते हैं, जो आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको सुपीरियर रूम मिलेगा। सो कॉटेजेस में आप दो लोग रुक सकते हैं, बाकी जो सुपीरियर रूम है उसमें आप मिनिमम चार लोग तो रुक ही सकते हैं एक रूम के अंदर, क्योंकि काफी स्पेशियस वो रूम था। जो वुडन कॉटेजेस है उससे ऑलमोस्ट डबल द साइज। तो अगर आप फ्रेंड्स लोग के साथ आ रहे हैं, चार लोग अगर प्लान बना रहे हैं तो दैट्स बेस्ट, और फैमिली के लिए भी ऑफ कोर्स दैट्स गुड। सो ऑल इन ऑल अगर आप एक बजटेड रिजॉर्ट देख रहे हैं महाबलेश्वर में जहां से आपको सब कुछ चीजें मिल जाए, सो बेलेव्यू रिजॉर्ट इज फॉर यू। तो अभी हम निकले हैं टूवर्ड्स पंचगनी। तो अभी जैसे ही हम लोगों ने एक जो यू टर्न होता है वो लिया भिलार से पंचगनी साइड वाला, हमें एक साइन बोर्ड दिखा विच सेज भिलार वाटरफॉल। सो हमने वहां पे देखा कि जो हमारा बेलेव्यू रिजॉर्ट था वो एग्जैक्टली उसके बैंक ऑपोजिट था। तो जब बरसात होती होगी तो जो वाटरफॉल का पानी रहता होगा वो अपने रूम से क्लियरली वहां से दिखता होगा, क्योंकि जो वैली थी उसके जस्ट पीछे ही हमारा रूम था जो यहाँ से विजिबल था। अभी बरसात नहीं थी इसलिए आई कैन नॉट शो यू द पानी एंड ऑल, बट देन आप कंसिडर कर सकते हैं, जरूर वहां पे वाटरफॉल वहां से दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि सामने रिजॉर्ट दिख रहा था। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज बेलेव्यू रिजॉर्ट फॉर यू। अगर आप मुंबई से दूर या किसी और ऐसे शहर से दूर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए अगर आप कुछ एक रिजॉर्ट वगैरह देख रहे हैं, सो ये रिजॉर्ट आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ आपको मिलेगी आराम करने की जिसकी आपको वहाँ पर ज़रूरत होती है। सो काफ़ी बजटेड रिजॉर्ट है, खाना भी अच्छा था एंड पूल वगैरह आपको देख ही रहे हो, पूल वगैरह भी है, रूम्स काफ़ी अच्छे थे। सो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। सो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले जैसा मैं हर बार कहता हूँ, डोंट सेटल फॉर एवरेज बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक हैप्पी स्टेइंग, हैप्पी ट्रैवलिंग
एंड कीप एंजॉइंग. बाय बाय.